John, I'm the member of the study hub. Today we will start multiple choice questions about social reform movement. So hum first jaldi jaldi se start karte hain. First question hai, who established the Atmiya Sabha, a process in the social religious reforms in Bengal? Theek hai, to Atmiya Sabha kisne start ki thi, kisne establish ki thi Bengal mein, to ye sabko pata hai. Question number, तो ऑप्शन है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या अरविंदो. तो इसका आंसर सबको मालूम ही होगा, तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, इसका आंसर क्या है? राजा राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन रॉय? राजा राम मोहन रॉय, फर्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन वेल टू डू फैमिली इन बंगाल, प्रोबेबली in 1772. He died in India in 1833. He was given the title of Raja by the Mughal Emperor. Or last option hai, he started the newspaper name Samvad Kaumudi. To isme first statement bhi correct, theek hai, theek hai, third bhi theek hai, theek hai, aur D wali jo statement hai wo bhi theek hai. To isme wrong statement kaun si hai? B. theek hai, he died in India in 1833. ठीक है, तो वो 1833 में तो मरे थे, बट इंडिया में नहीं, इंग्लैंड ब्रिस्टल में उनकी मौत हुई थी, उनकी डेथ हुई थी. कहाँ पे? इंग्लैंड ब्रिस्टल में. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. Who of the following leaders is not associated with ब्रह्मो समाज? कौन से लीडर थे जो कि ब्रह्मो समाज से एसोसिएट नहीं करते थे, ब्रह्मो समाज से लिंग नहीं थे, वो कौन से थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, राजा राम मोहन रॉय थे या आत्माराम पांडुरंग थे? तो कौन थे इसमें? आत्माराम पांडुरंग जो थे वो ब्रह्मो समाज से लिंक्ड नहीं थे. ठीक है, एसोसिएट नहीं करते थे. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट है, व्हेन वाज ब्रह्मो समाज स्प्लिट? ठीक है, ब्रह्मो समाज जो था वो टू, मैंने आपको बताया था कि टू ग्रुप में स्प्लिट हो गया था. तो वो कब हुआ था? 1866 में, 1826 में, 1843 में या 1857 में? तो ये कब हुआ था? 1866 में जो है ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो गया था. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1829 में हुआ था, 1817 में हुआ था, 1853 में हुआ था या 1858 में हुआ था? तो कब हुआ था? 1817 में ये हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में. ठीक है, नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश्ड प्रार्थना समाज को किसने एस्टैब्लिश किया था? ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, डेरिजियो ने किया था, डेविड हैरे ने किया था, आत्मा पांडुरंग ने किया था विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन. किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था. किसकी हेल्प से? केशव चंद्र सेन की हेल्प से. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? ठीक है, तो इंडियन रेनेसेंस का फादर किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है, डेविड हैरे को बोला जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बोला जाता है या रविंद्रनाथ टैगोर को बोला जाता है? तो ये इसमें ये तो इजी है, ये किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? किसने एशियाटिक सोसाइटी जो थी वो बंगाल में फाउंड की थी 1874 में? फर्स्ट है लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड विलियम जॉन्स, लॉर्ड कॉर्नवेल्स, बैरन हेस्टिंग्स. तो किसने की थी? विलियम जॉन्स ने, सर विलियम जॉन्स ने जो है ये एशियाटिक सोसाइटी जो थी बंगाल में एस्टैब्लिश की थी, फाउंड की थी 1784 में. ओके, नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रानाडे वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विद? ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो किस समाज से लिंक्ड थे? ठीक है, आर्य समाज से थे,
साधारण ब्रह्मो समाज के थे, प्रार्थना समाज के थे या ब्रह्मो समाज के थे? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कौन से थे? प्रार्थना समाज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, 10th क्वेश्चन, लास्ट 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द हिंदू विडो री मैरिज एक्ट वाज पास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में हिंदू री मैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ था। तो कब हुआ था? 1856 में हुआ था, 1858 में हुआ था, 1859 में हुआ था, या 1862 में हुआ था? तो कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल लाइक। इफ यू लाइक देन प्रेस द बेल आइकन।